गाइस सारी टिकट्स बुक है, बाकी आज की हमारी टिकट तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे खाना वाना भी खा लिया, ठीक है निकलते हैं होटल के लिए। होटल पे तो पहुंच चुके थे कब के, और सारा सामान भी रूम में लग दिया। रूम में आके दिखाऊंगा, थ्री स्टार होटल है फड़िया वाला, क्योंकि ये होटल यहाँ पे मिल रहा था इसलिए। बाकी कल दूसरा होटल हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और अभी यहाँ से चलते हैं मॉल रोड टॉय ट्रेन के लिए। तो गाइस ये है दार्जिलिंग का मॉल रोड, कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और अभी हम लोग टैक्सी की तलाश में यहाँ से टॉय ट्रेन के स्टेशन तक जाना है। यहाँ पे सारी शॉप्स देखो कितने हाई फाई है सभी की सभी। और कल की होटल का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज शाम की होटल का तो हो चुका है एक नाइट का, और कल की नाइट भी हम लोगों को निकालनी है। सो गए इसमें पूछने के लिए, कहीं पे भी रूम ही अवेलेबल नहीं मिल रहा, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। बाकी खरीदी भी करनी है अभी घर वालों के लिए, सभी लोगों के लिए। सो देखते हैं सारी चीज़ें। सो गाइस टैक्सी स्टैंड पे तो पहुँच गए, अब यहाँ से पूछते हैं कितना दूर है और कितना भाड़ा लगता है, क्योंकि पता है 500 से तो ऊपर ही लगेगा टैक्सी में, तो रोज का हो गया टैक्सी का भाड़ा सुन सुन के तो। और यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से 600-700 रुपये तो लेंगे पक्का है। फिलहाल अभी हम लोग चलते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। गाइस फाइनली टॉय ट्रेन के स्टेशन पे तो पहुँच चुके, और भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे तो। और लोग बोल रहे थे कि शायद से टिकट नहीं मिलेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी। सो ठीक है टिकट का पूछ के आते हैं पहले, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गाइस सारी टिकट्स बुक है, बाकी आज की हमारी टिकट तो नहीं मिलेगी, सिर्फ सिनेमेटिक शॉट से एंजॉय कीजिए। सो गाइस देखो सभी लोग पटरी पे उतर उतर के, हमारी टिकट आ गई, हमारी टिकट आ चुकी है, और बाकी सब बस ऐसे ही शूट कर रहे हैं। ये कब से इधर ही खड़ी, मेरे हिसाब से ये खराब है, और ये बेसिकली स्टेशन बनाया हुआ है। ठीक ठीक है, लोग देख ले होगी आपने अभी अभी जो ट्रेन आई थी वो देखो अभी भी सामने से धुआं काट रही है, वो पूरी कोलसे की ट्रेन है, और भाई क्या खतरनाक थी। लेकिन हमारी भाई डीजल में बुक हुई, कोई बात नहीं, हम लोगों को पूरे 4000 का मुनाफा हुआ डीजल में करके, वैसे भी उसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा है। देखो वो गई अगले स्टेशन के लिए, वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया टॉय ट्रेन देख के, आप लोगों ने भी देखे होंगे, सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय किए होंगे। तो ठीक है अभी यहाँ पे सब मतलब मॉल रोड वगैरह में घूमते, बाकी स्टेशन है यहाँ पे दो टिकट काउंटर। सो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर देखते हैं आसपास में कौन सी जगह है घूमने लायक, सो वहीं पे घूमेंगे। और तो कोई रास्ता नहीं है अपने पास, क्योंकि टॉय ट्रेन तो हम लोगों को कल 4:30 बजे आना है, और यहाँ पे अभी मुझे पता था फोटोशूट चलेगा ही चलेगा इस जगह पे। सो गाइस यहाँ पर फिलहाल तो सब कुछ अपना काम हो गया, फोटोग्राफी वोटोग्राफी सब कुछ। सो ठीक है, और कल की होटल के लिए मैंने बोला था यार ये वाली में नहीं मिली, और नहीं देखो टॉय ट्रेन के सामने ही हो जाती, और इधर समोसे है लेकिन पता नहीं यहाँ पे कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे कैंसिल। सो अभी वापस होटल की तरफ मतलब मॉल रोड की तरफ चलते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग मॉल रोड पे घूमने के लिए निकले हैं, मतलब शॉपिंग करने के लिए। हम लोगों ने रास्ते में काफ़ी सारे जैकेट्स देखे थे, सो जैकेट्स की खरीदी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी मॉल रोड पे बस ऐसे ही चक्कर लगाना है। ये पूरा मॉल रोड ही बोला जाता है, ये जो मार्केट है वही चारों तरफ बस मार्केट ही मार्केट है, और ये बेसिकली मॉल है यहाँ का। यहाँ पे आइनॉक्स भी अवेलेबल है, सो मूवी देखने भी जा सकते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग इधर मॉल के अंदर जाने वाले हैं डोमिनोज में ऐसे ही पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए, क्योंकि अभी तो बेसिकली सिर्फ 4 ही बज रहे, और पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं मिनी पिज़्ज़ा लेके कि कैसा मिलता है यहाँ का टेस्ट वगैरह सब कुछ। सो अगर अच्छे रहेगा तो शाम का खाना हम लोग डोमिनोज में ही खा लेंगे आज के दिन, क्योंकि यहाँ पे प्योर वेज काफ़ी ज़्यादा कम है, होटल्स रास्ते में एक ही दिखी थी वो भी फास्ट फूड की थी। सो गाइस ये है पूरा मॉल, बेसिकली डोमिनोज में ये है दार्जिलिंग का सबसे बड़ा मॉल, और डोमिनोज ढूंढना है हम लोगों को, डोमिनोज पता नहीं कहाँ पे,
अरे डोमिनोज बाहर होगा, अंदर है। हाँ ये रहा ऊपर, सो ऊपर चल के देखते हैं। पहले तो ये देख लो मॉल कुछ इस तरीके का है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, सिनेमेटिक शॉट्स देख लो बस। सो गाइस डोमिनोज तो पहुँच गए, अंदर चल के देखते हैं। पूरा खाली पड़ा है, पर स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है। सबसे पहले मेनू ढूंढते हैं मेनू कहाँ पे। सो गाइस कब से ऑर्डर कर रहे थे, मुश्किल से ऑर्डर हुआ, पहले ऑनलाइन में ट्राई किया, जाके ऑफलाइन में ट्राई करे। सो ठीक है, अभी यहाँ पे बैठ के आराम से खाते हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा तो आ चुका है, लेकिन भाई यहाँ पे केचप क्या अलग से लगता है। कोई बात नहीं, जयेश भाई ने अनबॉक्सिंग कर दिया है, चार पीस है, हम चार लोग हैं। सो दो मेरे हो गए, बाकी ये लोग संभाल लेंगे अपने हिसाब से। मजाक कर रहा हूँ। और मार्गरीटा मंगाया है जस्ट टेस्ट करने के लिए कि हमारे सिटी जैसा यहाँ पे मिलता है कि नहीं। सो गाइस मस्त पिज़्ज़ा खा लिया है, काफ़ी लोग तो घर पे भी लेके जा रहे हैं अपने हिसाब से। और हम लोग पहले ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, फिर ऑफलाइन हो गया, बहुत कुछ मतलब नाटक किया। एक पिज़्ज़ा मंगाया, देखो कैसी हालत कर दी टेबल की, पूरा चिली फ्लेक्स मिली फ्लेक्स चारों ओर उड़ाया। आज रात का डिनर यहाँ पे फिक्स डोमिनोज में, देखते हैं या तो फिर होटल पे मंगवा लेंगे या फिर यहाँ पे आके खा लेंगे। बहुत ही टेस्टी था, इन लोगों को मॉल में चक्कर लगाना था लेकिन कैंसिल रखा क्योंकि पैसे हमारे पास है और मम्मी सब खरीदी कर रहे हैं। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ से एक रसकदम लिया है टेस्ट करने के लिए, और वो बेसिकली समोसा लेने के लिए गया है। बाकी मस्त है रसकदम तो, काफ़ी टेस्टी लगा, अलग ही है, कुछ गुलाब जामुन टाइप का है जो भी है। और वो समोसा लेके आ रहे हैं, सो वो भी ट्राई करते हैं। सो गाइस यहाँ से मस्त खा लिया है रसगुल्ला रसगुल्ला, सारी मिठाई ट्राई कर ली बंगाल की। और अभी मम्मी को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे। और ये है द रिंक मॉल, यहाँ पे ऊपर की तरफ डोमिनोज है, बाकी नीचे वो क्या आप बोलते हैं प्योर फूड जैसा कुछ था, उसमें सब कुछ खाया, मज़ा आ गया। अभी तो रात का डिनर तो बाकी है, ये तो ऐसे ही नाश्ता हुआ, अभी तो सिर्फ 5 बजे, रात का डिनर तो 8 बजे करना है। और मस्त माहौल हो रहा है अभी तो, एकदम हल्की हल्की ठंड हो रही है। और ये पूरा मॉल रोड है, तो यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे है मम्मी, वो सब कहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। घर के लिए पूरी शॉपिंग करनी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देर भी लग सकती है। उन लोगों का वैसे कॉल नहीं आया एक बार भी, लेकिन फिर भी ढूंढते हैं कहाँ पे। सो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे ये भेल पूरी चाट पूरी ये सब खा रहे हैं, मतलब उन लोगों का खाना चालू ही है। यहाँ पे अचानक से पूरा खाने का स्टॉल लग गया, भुट्टा उट्टा ऐसा सब कुछ। सो इन लोगों की बोनी करवा दी हम लोगों ने, और यहाँ पे चाउमीन बन रही है भाई, चारों तरफ अचानक से भाई फूड के स्टॉल लग गए। हम लोग आए तब तो कुछ भी नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। अच्छा ये देखो अचानक से लगना चालू हो चुका है चारों तरफ। ये क्या है भाई, सभी लोग कपड़ों के पीछे पड़ गए, अलग अलग दुकानों में जाके बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे। अभी इस वाले शॉप में घुस गए भाई, अभी तक मम्मी पापा का कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे। मम्मी का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, अब पापा का तो पता ही, वो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे है, लेकिन मम्मी और मासी पता नहीं कहाँ पे, का फ़ोन ही नहीं लग रहा। तो गाइस मुश्किल से इन लोगों को खींच के बाहर निकाला, और हल्के हल्के बारिश भी चालू हो चुकी है, अब पता नहीं वापस कहाँ पे घुस जाएंगे भाई। पहले मम्मी पापा को ढूंढना पड़ेगा, पापा को नहीं सॉरी मम्मी जी और मासी जी को, पता नहीं कहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, उनको शायद से होटल का रास्ता भी नहीं पता होगा, ये तो पक्का है क्योंकि अब तक जितने भी होटल्स थे उसमें से किसी का भी रास्ता नहीं पता था। इसका तो कहाँ से होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अटपटा है यार, कहाँ पे होंगे यार, यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं दिख रहे किसी भी दुकान में, क्योंकि स्वेटर्स वगैरह खरीदने वाले थे। भाई कहीं पर भी नहीं है, देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, फ़ोन तो स्विच ऑन हो ही जाएगा उनका, सच से बैटरी डाउन होगी, वरना वो ये मॉल रोड का स्टेशन तो जानती ही, यहीं पर ही आ जाएंगे शाम तक तो। और भाई हम लोग मॉल रोड के चौक पे तो पहुंच गए, यहाँ पे देखो मस्त फाउंटेन चल रहा है अभी, और रात का व्यू तो कुछ अलग ही आएगा। और सामने की तरफ वो वहाँ पे कोई LED लगाई हुई है, भाई कहाँ पे होंगे यार, भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पे हो गया। और भाई बारिश कितनी खतरनाक वाली चालू है यार। तो गाइस पापा को कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ जहाँ पे मतलब हम लोग पहले रुके थे, ये फाउंटेन पे ये सामने डिस्प्ले थी। सो पापा अभी यहीं पर ही आ रहे, सो देखते हैं कहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बोला आप कहाँ पर हो, मैंने ये लोकेशन तो बता दिया, अब वो आएंगे ढूंढ लेंगे उनको, देखते हैं मम्मी उनके साथ में है कि नहीं, वरना फिर सब लोगों को मिल के उनको ढूंढना पड़ेगा, एक दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उनको पता नहीं है, उनके पास कॉल भी है फ़ोन भी नहीं है, वो स्विच ऑफ हो चुका है। तो गाइस देखो थोड़ी देर में फॉग हो गया, और अभी बारिश लगातार चालू है, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए, इसी चौक पे आना था, उनका कॉल भी नहीं आया रिटर्न, पता नहीं कहाँ पे होंगे भाई। ठंड बढ़ गई भाई अचानक से,
मतलब पूरे दिन में पूरी गर्मी गर्मी लग रही थी, लेकिन अचानक से अब ठंड लगने लगी। शायद शाम को यही हालत होगी यहाँ की। मुझे लगा था दार्जिलिंग में बरसात नहीं होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी बारिश है। वैसे कल टॉय ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखो 5:30 बज गए और अंधेरा होने भी लगा। यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है इसलिए, और हम लोग यहीं पर ही बस वेट कर रहे हैं। ओ भाई ये देखो, अभी इधर फॉग है, एक सेकंड में पूरा फॉग भाई गायब हो गया। फॉग और बारिश दोनों, मतलब बारिश अभी थोड़ी बहुत चालू है, लेकिन एक सेकंड में भाई पूरा फॉग गायब। देखो यार पूरा का पूरा क्लीन हो गया भाई, मतलब मैं अगर शूट कर रहा होता ना तो पता चलता, एक सेकंड में भाई पूरा गायब। और एक खुशी की बात है, पापा का कॉल आ गया है, उधर नीचे जाना है जहाँ पे हम लोग पहले टॉय ट्रेन की तरफ गए थे, इस वाले रास्ते पे वापस जाना है, वो लोग वहीं पर ही है। और साइड में से शायद मेरी मम्मी जैसी कोई आवाज़ आ रही थी, मतलब शायद वो सभी लोग साथ में ही है, आई होप साथ में ही हो। लेकिन ये यश अंदर है, इधर गोल्डन टी में से चाय पसंद कर रहा है, मतलब एक चाय तो ले ली और एक पैकेट ले रहा है अपने घर के लिए, हमको भी लेनी है, लेकिन मम्मी पापा बोलेंगे तभी, क्योंकि उनकी पसंद की होती है। बाकी हमको तो भाई कोई सी भी चलेगी, ये तो बस ऐसे ही यादी के लिए चाहिए होती है कि भाई दार्जिलिंग गए थे और ले ली। सो ठीक है, अभी फटाफट निकलते हैं, जैसे यश आता है वैसे ही। भाई सभी लोग मिल चुके हैं, से तो काफ़ी बढ़िया बात हो गई, और अभी हम लोग साथ में घूम सकते हैं, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस देखो अंधेरा हो गया, वो भाई कितना मस्त व्यू बन रखा है, 2-3 फोटोग्राफ्स तो बनते हैं। और भाई इधर जाम लगता ही रहता है, और देखो कब से इस दुकान में शॉपिंग कर रहे थे, काफ़ी सारी शॉपिंग की, सो अभी और भी शॉपिंग चालू हुई हम लोगों की। सो यही चलने वाला है, फिर कल तो पूरा दिन घूमना है, सुबह 3 बजे से घूमना है भाई, खतरनाक वाली भाई, आज तो नींद खराब होगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी लास्ट डे है, और अभी तो बेसिकली सिर्फ 6:30 हुए, और यश तो सामने बैठ गए अपने हिसाब से। सो गाइस फिलहाल अभी पानी पूरी खाने के लिए रुके, मम्मी पापा सभी लोग इधर प्योर वेज में गए खाना खाने के लिए, ये तो गुजराती खाएंगे या फिर पंजाबी। हम लोग चलते हैं डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए। सो गाइस हमारा फाइनली पिज़्ज़ा आ चुका है, और आज फर्स्ट टाइम मैं डोमिनोज में बैठा हूँ, और ये अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है मार्गरीटा, पेप्सी भी आ चुकी है, एक जज के लिए छोड़ देते हैं अनबॉक्सिंग का। पेप्सी, पेप्सी भाई बेल्ला चाओ, इसका अनबॉक्सिंग जेनिल करेगा आराम से, कुछ आता है कि नहीं आता है, ऐसे स्टिकर ऐसे करके उखाड़ के वापस चिपका देने का। और मैंने कर दिया इसको, से मस्त खाते आराम से। सो गाइस हम चारों ने मिलके कुछ इतना खाया, बाकी पापा और मोसा जी भी आ गए थे, उनके लिए हम लोगों ने गार्लिक ब्रेड ली थी अलग से। गाइस घर के लिए स्प्राइट भी ले लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल रूम की तरफ। भाई मैं घर होटल सब कुछ एक ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 दिनों से रह रहे हैं। और भाई यहाँ पे कोई घड़ी है बढ़िया सी, और भाई ये तो अब दिखी यार, वाह क्या मस्त है यार। सो अभी घर की तरफ चलते हैं, मतलब होटल की तरफ, घर होटल सब लोग एक ही समझ लेना। और कल हम लोगों को जाना है पूरा जैसर के लोकल साइड व्यू की तरफ, और फिर परसों हम लोगों को निकल जाना है। अभी बेसिकली एक मिनट, ये देखो अभी बेसिकली 9 बज रहे, और 9:30 तक हम लोग होटल पहुँचेंगे, बहुत दूर है यहाँ से, चलते चलते जाना है। सो गाइस आप लोगों ने फाउंटेन के मस्त सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय किए होंगे, ये यहाँ पे पूरी बाजार है, और सभी लोग वहाँ पे खड़े बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रहे। सो ठीक है, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस देख लिए होंगे आप लोगों ने, भाई बहुत बक बक कर रहा है यार यहाँ पे स्टेशन पे, भाई लोग देख लिए होंगे आपने, अभी अभी जो ट्रेन आई थी वो